सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, जय श्री राम। सामने देख रहे हो आप कितनी बड़ी मूर्ति है ना। अलवर में शायद भगवान राम की सबसे बड़ी मूर्ति है जो हमारे नगर शालीमार के जो मेन गेट पर लगी हुई है। ये देखिए कितना शानदार मौसम हो रहा है। आज की राइड में मैं हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त अल्ताफ है। तो चलते हैं। हटा अल्ताफ भाई, तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। शायद कोई शादी वगैरह का फंक्शन चल रहा है, बारात वगैरह जारी है। रास्ते में बज रहा है डीजे और बारिश हो गई ना तो डीजे हमारा बज जाएगा। एक्चुअली गाइज, जो ये कैलपवाड़ा एरिया है, यहाँ तो क्या है कि लगता है कि भाई हाँ हम किसी सिटी में रह रहे हैं। बाकी जहाँ हम रहते हैं वो थोड़ा आउट पड़ जाता है और वहाँ तो लगता भी नहीं है कि हम सिटी में रह रहे हैं। ऐसा कोई फील नहीं होता, ऐसा कुछ दिखता भी नहीं है यार। वाह, कुछ दिन पहले तो लगा था कि गर्मी आ गई भाई, अब तो कूलर वगैरह चालू करने पड़ेंगे, पर अब ऐसा लग रहा है कि कूलर को फेंको दूर और एसी को बेचो कबाड़े के भाव, क्योंकि सर्दी फिर से आ चुकी है। हवा हमारे अपोजिट है इसलिए हवा थोड़ी अजीब, मतलब वॉइस थोड़ा ये मतलब डिडक्शन हो रहा है ना। और ये देखो गाइस, सामने का मौसम नज़ारा जो भी आप देख सकते हो सामने का देख लीजिए, क्योंकि जो कुछ मज़ा है ना वो सामने ही है, पीछे तो कुछ नहीं होता। मतलब अब जो पास्ट है वो गुजर गया, उसको क्या देखा है ना। वैसे इस हिसाब से चल रहे हैं ना, इससे तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। गाइस पर ऐसा होता था कि मैंने मोटो ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, तो हुआ ये कि मैंने क्या किया, जैसे मैं कॉलेज वगैरह जाता था या फिर बाइक राइड करता था तो मैं लगा लेता था हेलमेट के अंदर ईयरफोन या फिर जो होते हैं ना नेक बैंड, वो उसका यूज़ करता था मैं, और सॉन्ग सुनते हुए बाइक चलाता था। तो मैंने यार काफ़ी जगह देखा कि यार कुछ इंसिडेंट वगैरह हो जाती हैं ऐसे ही, है ना, पीछे से कोई व्हीकल वगैरह होता है तो उसका हॉर्न वगैरह नहीं सुनाई देता। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको बदलना चाहिए और ये सही चीज़ नहीं है कि यार हम ना मतलब ये तो देखो जब अपन कुछ कोई काम करते हैं ना, कार ड्राइव करें या फिर बाइक राइड करें, तो उस समय क्या है कि हमको ना ध्यान सिर्फ सामने रखना चाहिए। क्योंकि मैं खुद मेरे साथ ऐसी हो चुकी है, ऐसी कोई इंसिडेंट हो चुका है, तो इसीलिए मैं फिर अपना ध्यान हटाता नहीं हूँ। इसलिए मैंने हेलमेट पहनना यूज़ किया, सॉरी हेलमेट पहनना शुरू किया। और अब क्या है कि हेलमेट पहनते हैं ना तो बाकी और जगह फिर ध्यान वगैरह बिल्कुल नहीं जाता है। बाकी हवा सामने की चल रही है तो इसकी वजह से ना मैं भी हिल रहा हूँ, मेरा हेलमेट भी हिल रहा है और आई थिंक हमारा कैमरा भी हिल रहा है, बट हमारी वीडियो बिल्कुल नहीं हिल रही है। एक्चुअली गाइज हमारा ना कोई जानकार नहीं है अपना घर शालीमार की तरफ, तो इसलिए हम वहाँ पर रुके नहीं ज़्यादा देर और बाहर से ही हम मतलब वीडियो वगैरह शुरू करके आ गए आपके पास। वैसे वहाँ मूर्ति काफ़ी, ओ माय गॉड, उम्मीद लगता है यहाँ कुछ हो गया है भाई। शायद कोई घटना वगैरह हुई गाइस, हमें रुकना नहीं चाहिए। देखो यार एक कहावत है ना कि यार गुस्सा और आंधी या फिर तूफान जब आते हैं ना तो बाद में पता लगता है कि कितना नुकसान हुआ है।
तो इसीलिए यार छोटे मोटे लड़ाई झगड़े वगैरह से ना भाई ठीक है यार, थोड़ा अगर कोई गलती भी हो गई है ना तो यार थोड़ा माफ़ी वगैरह मांग लो और यार बात ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि यार अगर हम ऐसे करते हैं ना तो यार गाइस अपना ही उसमें थोड़ा नुकसान होता है। बट कोई ना यार, जैसे कोई कर रहा है करने दो भाई, नहीं हमें तो रहना है बस अपनी ज़िंदगी में मस्त। और ये ला 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 अल्ताफ कुछ नहीं यार, छोड़ कुछ नहीं है, भूख नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो गाइस सबसे पहले हम ना अल्ताफ को छोड़ देंगे यहाँ पर, अब देखते हैं घर जाता है या कहाँ जाता है, इसको जहाँ ये मन करेगा वहाँ इसको छोड़ देंगे और फिर अपना घर चलेंगे अपने। बाकी से थोड़ा बहुत बात कर लेंगे ही बैठ कर, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे यहाँ पर, घर जाकर फिर सोऊंगा मैं तो यार। तो गाइस अल्ताफ अपने घर चला जाएगा, हम यहाँ रुकते हैं पार्क के पास थोड़ी देर, इससे कुछ बातचीत करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने घर पे। और बताना आपको ये छोटा सा ब्लॉग, छोटी सी राइड कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपने छोटे भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें, ऐसे ही रिस्पॉन्स दें, प्यार दें। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।